नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 का सवाल है क्वेश्चन सेज इट इज बिलीव दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एंड हेंस द डिस्टेंस स्टार्स आर रिसीडिंग फ्रॉम अस लाइट फ्रॉम सच अ स्टार विल शो पहला शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ दूसरा है शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ तीसरा है नो शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी बट अ डिक्रीज इन इंटेंसिटी चौथा है शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी सम समाइम टूवर्ड्स लॉन्गर टाइम टूवर्ड्स शॉर्टर वेव लाइन अगेन सवाल मुश्किल कत नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट जाएगा मैं यहाँ पे थोड़े से आपके बेसिक्स क्लियर करता हूँ uh, सबसे पहले तो देखते हैं इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम क्या होता है राइट right. तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम की तो उसको हम ऐसे पढ़ते हैं क्लास में मैं बच्चों को ऐसे सिखाता हूँ कि मान लो आपने एक रेडियो लिया उसको आपने माइक्रोवेव में डाल दिया हालांकि right. तो रेडियो को जैसे माइक्रोवेव में डालेंगे वो आपका रेड हॉट हो जाएगा तो याद रखने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं ये इन्फ्रा आएगा ये वॉलेट आ गया ये अल्ट्रा वॉलेट आ गया उसके बाद एक्सरे आ गया फिर आपकी गामा और फिर आपकी कॉस्मिक रेज आ गई जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है लेमडा आपका कम होता है और क्योंकि लैमडा कम होता है तो एनर्जी क्योंकि इनवर्सली प्रपोर्शनल है तो एनर्जी आपकी बढ़ती है और स्पीड ऑफ लाइट आपकी सेम रहती है लाइट uh, right, एक और चीज़ यहाँ पे हम ये कहते हैं कि आपको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ कि uh, हम ये कहते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए कि मान लीजिए आपका विजुअल स्पेक्ट्रम जो है वो 4000 हज़ार से 8000 हज़ार के बीच में ये एक्चुअल डेटा नहीं है एक्चुअल तो 7600 और थर्टी एट होता है पर हम ईजी कैलकुलेशन के लिए उसे चार हज़ार और आठ हज़ार मान लो माने तो यहाँ पर क्योंकि लैमडा आपकी कम हो रही है तो रेड की जो वेवलेंथ आएगी वो होएगी 8000 थाउजेंड और वॉलेट की होएगी 4000 थाउजेंड एंग स्ट्रॉन्ग तो ये रेड आपका रेड आपका हायर वेव लेंथ और वी आपका वॉलेट जो है वो आपका लोअर वेव लेंथ होएगा ना हमें डॉपलर इफेक्ट से बात और पता है कि मान लीजिए आपका प्लान अर्थ है और कोई एक स्टार है ये आपका स्टार दूर जा रहा है वी वेलोसिटी से सो so अगर हम इसको अर्थ पे खड़े होकर देखेंगे यहाँ से तो ये जब स्टार आपका वी वेलोसिटी से दूर गया है उस केस में इसको हम बोलते हैं ये आपका रेड शिफ्ट होएगा रेड शिफ्ट होएगा मतलब आपकी वेवलेंथ जो है इसकी वो इंक्रीज होएगी और अगर ये पास आएगा ये अगर अर्थ के पास आएगा तो अगर आपकी इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये स्टार आपका ऐसे आ रहा है तो ये आपका वॉलेट वा, शिफ्ट होएगा और इसकी लैमडा जो है वो आपकी कम हो जाएगी अलग और इसको याद रखने के लिए मैं ऐसे भी याद करवा देता हूँ या हम ऐसा डिस्कशन करते हैं क्लास में जस्ट फॉर फन के मान लो थेनाज जैसे अगर आपने एवेंजर्स की मूवी देखी हो तो थेनोज का कलर पर्पल पर, 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 है या वॉयलेट है तो अगर की तरफ आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपका वॉयलेट कलर जो है वो प्रेडोमिनेंटली दिखेगा आपको थेनास दिखेगा ये सिर्फ याद करने के लिए ये आपको याद रह जाए इसलिए वो है सो so, इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब होएगा अगर आ, अर्थ से सारी चीज़ें दूर जा रही हैं तो उनका ऑफ कोर्स शिफ्ट जो है आपका रेड शिफ्ट होएगा यानी कि आपकी लैमडा इंक्रीज होएगी सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर